Hello students, so today we are going to start Introduction to HTML 5, Chapter 7. In this chapter we are going to cover what is HTML, tools to be used, creating HTML document, tags, elements and attributes, rules for writing HTML code, HTML document structure, heading paragraph, line break element, horizontal rule, comment, bold and italic, CSS and methods of applying CSS, background properties. These all things which we are going to cover in this video. So what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language and is the code that is used to structure a web page and its content. For example, content could be structured within a set of paragraphs, a list of bulleted points or using images and data tables. So HTML की full form होती है बच्चों hypertext markup language, और ये एक कोड होता है जो हम यूज करते हैं वेब पेज को डिजाइन करने के लिए. जैसे कि कंटेंट स्ट्रक्चर में आना चाहिए, पैराग्राफ पैराग्राफ में, लिस्ट जो आपकी बननी चाहिए वो बुलेटेड पॉइंट्स में होनी चाहिए, आप इमेजेस यूज कर सकती हो, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो HTML के अंदर. देन tools to be used. So यहाँ पे आप use कर सकते हो HTML editor और browser. HTML editor for creating and saving the document. आप यहाँ पे editor में create करोगे documents को, save करोगे. और browser में आप क्या करोगे, view कर सकते हो अपने document को, किस तरीके से वो display होगा या किस तरीके से वो output देगा. Then creating HTML document. Now अब आप किस तरीके से HTML के document को create करोगे. सबसे पहले आप open करोगे notepad को PC में. Then you have to write some HTML code. कुछ HTML code लिखोगे, save करोगे HTML page को, then save the file on your computer desktop, then view the HTML page in your browser. Okay, these are the steps you have to follow for creating HTML document. Then tags, elements and attributes. So tags comprise of text enclosed in angular brackets. टेक्स्ट कंप्राइज करते हैं टेक्स्ट को बच्चों, और ये किसके अंदर आते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर. एंगुलर ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं एचटीएमएल के लिए. ईच टैग हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स नोन एज सिंटैक्स. हर टैग के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं सिंटैक्स. आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हो. देन फॉर एग्जाम्पल टैग नेम, टैग नेम हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे आएगा एचटीएमएल. सो एचटीएमएल इज द नेम ऑफ द टैग. And these are not case sensitive. Case sensitive का मतलब होता है capital letters, small letters are treated differently. ठीक है, पर यहाँ पे लिखा है not case sensitive. मतलब यहाँ पे आप capital letters में भी लिख सकते हो, small letters में भी चीजें लिख सकते हो. Now tags, elements and attributes. Firstly we are going to discuss attributes. An attribute is a property value that modifies an HTML element. ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है या हम बोल सकते हैं वैल्यू जो मॉडिफाई करती है HTML एलिमेंट्स को. एट्रीब्यूट्स अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग एंड देयर वैल्यूज ऑलवेज इनसाइड द कोटेशन मार्क्स. जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो ओपनिंग टैग के अंदर आते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कोटेशन मार्क्स में आती है. तो यहाँ पे देखो, जैसे एंगुलर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा फॉर्म, उसके बाद मैं लिखा साइज इक्वल्स टू 4 है और कलर इक्वल्स टू ब्लू है. सो हियर द साइज एंड द कलर्स आर द एट्रीब्यूट्स. जो यहाँ पे साइज और कलर है ना वो एट्रीब्यूट है. किसके एट्रीब्यूट है, फॉन्ट टैग. ठीक है, सो सबसे पहले आप एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. फॉन्ट जो भी आपको टैग की प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट डिफाइन करें उस टैग का नाम लिखोगे, उसके बाद आप एट्रीब्यूट लिखोगे. जैसे साइज लिखा मैंने इक्वल टू 4 है, फिर कलर इक्वल्स टू ब्लू है. देन एलिमेंट्स. एचटीएमएल हैज टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन इट. दो तरीके के एलिमेंट्स हैं एचटीएमएल में, कंटेनर एलिमेंट एंड एम्प्टी एलिमेंट. सो आपको नाम से पता लग रहा है कंटेनर, जो कुछ कंटेन करता है. ओके, सो इन एचटीएमएल द टैग्स दैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स आर कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट, जिसमें ऑन टैग भी होता है और ऑफ टैग भी होता है. ठीक है, स्टार्टिंग टैग भी होगा और एंडिंग टैग भी होगा. एंड इट इज यूज लाइक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों को ही यूज करते हैं. सम कंटेनर टैग्स आर H1, heading tag, जैसे H1 एक container tag है, तो
तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग टैग भी लिया और क्लोजिंग टैग भी लिया। उसी तरीके से पैराग्राफ भी कंटेनर टैग है, सेंटर भी कंटेनर टैग है, जो कुछ कंटेन करते हैं ठीक है अपने अंदर। अब H1 और स्लैश H1, इसके अंदर आप एक लाइन लिखोगी, जो भी आपको हेडिंग देना है वो। पैराग्राफ के अंदर भी आप एक लाइन लिखोगे, राइट। सेंटर के अंदर भी आप एक लाइन लिखोगे जिसको आपको सेंटर अलाइन करना है। देन यू हैव एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स कंटेन ऑन टैग, सिर्फ ऑन टैग्स आता है इसमें। एम्प्टी एलिमेंट्स मतलब इसके अंदर आप कुछ नहीं लिखते। यू आर गोइंग टू यूज दिस एंड यू आर गोइंग टू यूज ओनली ऑन टैग फॉर दिस पर्पस एंड दे डू नॉट हैव ऑफ टैग। ऑफ टैग यहाँ पे नहीं होता। एंड दीज एलिमेंट डू नॉट एनक्लोज एनी डेटा, कुछ एनक्लोज नहीं करते हैं, इंडिविजुअली ये यूज होते हैं। इंस्टेड दे फंक्शन देयर ओन। सम एम्प्टी एलिमेंट्स आर br, ब्रेक द लाइंस hr, फॉर सेपरेट द ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। br इज यूज फॉर ब्रेक लाइन ठीक है, ब्रेक करने के लिए। जहां पे भी आपको चाहिए आप br लिख दो बस, ऑन कर दो उस टैग को, ऑफ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको ब्रेक लाइन लाइन ब्रेक आपकी वहां पे हो जाएगी। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर राइटिंग html कोड। सो टैग्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स, जैसे लेस देन और ग्रेटर देन कैरेक्टर्स। एंड मोस्ट टैग कम इन पेयर्स, ज्यादातर टैग्स आपके आते हैं वो पेयर्स में आते हैं एंड सराउंड द मटेरियल दे अफेक्ट। So there are some exceptions. For instance, the br tag create a blank line and does not have an off switch. ठीक है, जो ज्यादातर टैग्स होते हैं वो पेयर्स में आते हैं और सराउंड होते हैं मटेरियल से जिन्हें वो अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे br tag है जो क्रिएट करेगा ब्लैंक लाइन और इसमें ऑफ टैग यूज नहीं होता। द सेकेंड टैग इज ऑफ टैग, ऑलवेज स्टार्ट विद अ फॉरवर्ड स्लैश। फर्स्ट जो टैग ऑन होता है और लास्ट टैग को हम ऑफ टैग कहते हैं। ऑन टैग स्टार्टिंग टैग, ऑफ टैग लास्ट। टैग्स आर एम्बेडेड, टैग्स एम्बेडेड होते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट अ टैग विद इन अनदर टैग, यू हैव टू क्लोज दैट इनर टैग बिफोर क्लोजिंग द आउटर टैग ठीक है। सो टैग्स एम्बेडेड होते हैं, जब आपको स्टार्ट करना होता है तो आप ऑन कर देते हो उसको, जब आपको क्लोज करना होता है आप क्लोज कर देते हो ठीक है। देन ये स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले HTML टैग यूज करोगे जो कि मेन टैग होता है HTML टैग। उसके अंदर हेड, हेड के अंदर आप स्पेसिफाई करोगे टाइटल, जो भी टाइटल होगा पेज का आपको टाइटल देना है, सेट करना है ठीक है। देन बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर आप मेन कंटेंट लिखोगे। द मेन कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज रिटन हियर अलोंग विद एट्रीब्यूट्स व्हिच एनहांस वेब पेजेस ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन लिखी, तो ये मैंने बॉडी के अंदर लिखी, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी ठीक है। हेड के अंदर आप टाइटल दोगे ठीक है। देन HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। सो HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद HTML टैग एंड विद स्लैश HTML टैग। एवरीथिंग इज रिटन विद इन दीज टैग, सब कुछ उसी टैग के अंदर आएगा। टाइटल टैग हैज टू बी गिवन विद इन हेड टैग, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आएगा। इट कंटेन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। Head tag is the first element contained inside HTML element and it contains no text within itself. Head tag first element के अंदर आता है और इसके अंदर कोई भी text use नहीं करते हैं। Title tag इसके अंदर आता है पर इसके अंदर हम कोई text अलग से use नहीं करते। Body tag contains the tag text which gets displayed on the web page along with the other tags. Body tag क्या करता है, contain करता है text को जो डिस्प्ले हो जाता है वेब पेज पे अलोंग विद दूसरे टैग्स के साथ और दूसरे एट्रीब्यूट के साथ। एंड एवरी ओपनिंग टैग मस्ट हैव एन एंडिंग टैग, ओपनिंग टैग के साथ एक एंडिंग टैग होना जरूरी है। एंड द क्लोजिंग टैग हैज अ फॉरवर्ड स्लैश, क्लोजिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश आता है। हाउएवर सम टैग्स हैव ओनली एन ओपनिंग टैग और वो टैग्स को हम कहते हैं एम्प्टी टैग, जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग्स होते हैं ओके। नाउ हेडिंग्स। तो बच्चों हेडिंग्स क्या होता है कि किसी चीज को आपको एक हेडिंग देना, तो हेडिंग हम हमेशा बोल्ड में लिखते हैं राइट। सो दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन डिफरेंट हेडिंग लेवल्स इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अलग अलग की इसमें डिफरेंट हेडिंग लेवल्स आते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। और हमारे पास एचटीएमएल में 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं, H1 टू H6। H1 सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है और H6 सबसे छोटा। आप इस पिक्स में भी देख सकते हो H1, H2, H3, H4, H5, H6 इस तरीके से यूज हुए हुए हैं ठीक है। एंड H1 इज द लार्जेस्ट, H6 इज द स्मॉलेस्ट साइज
इट इज रिटन विद इन द बॉडी टैग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये बॉडी टैग के अंदर ही रिटन होता है. ओके okay? पैराग्राफ. सो एनी टेक्स्ट कंटेनिंग मोर देन अ फ्यू लाइंस, ठीक है, शुड बी गिवन इनसाइड द पैराग्राफ. पैराग्राफ का मतलब होता है एक से ज्यादा लाइंस हैं या दो तीन लाइंस हैं, एक पैराग्राफ बन जाता है. सो वी यूज पी टैग. पी टैग आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पी से ही पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल्स ऑफ पैराग्राफ इज पी. सो पी टैग इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ एंड टू मार्क द एंड ऑफ द पैराग्राफ वी यूज स्लैश पी. ओके, यहाँ पे हम वेरियस एट्रीब्यूट यूज करते हैं पैराग्राफ की. जैसे हमने यूज किया पी अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो ये क्या करेगा, अलाइनमेंट दे देगा सेंटर की, जो आपका टेक्स्ट होगा वो एकदम मिडल में आएगा. देन वी हैव पी अलाइन राइट, सो ये अलाइन करेगा टेक्स्ट को राइट साइड में. पी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, सो इट्स अलाइन द टेक्स्ट इन लेफ्ट साइड. पी अलाइन जस्टिफाइड, अलाइन टेक्स्ट फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ठीक है. जस्टिफाइड मैक्सिमम बुक्स में यूज होता है, आप चेक करना राइट साइड से और लेफ्ट साइड दोनों साइड से मार्जिन जो होगी ना आपकी प्रॉपर, उसे कहते हैं जस्टिफाइड. Then we have line break. This text breaks the line and display the text from the next line without giving any space between two lines. Line break use करते हैं हम line को break करने के लिए और display करने के लिए text को next अगली line, ठीक है. और कोई space additional space नहीं आती दोनों lines के बीच में and should be given at the end of the line. जहाँ पे भी जैसे आपके पास दो line है, आपको first line के बाद है सेकेंड लाइन को दूसरी लाइन से लाना है, तो आप क्या करोगे बी आर टैग यूज करोगे फर्स्ट लाइन के बाद. ओके, सो ब्रेक लाइन यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए. आफ्टर अ पर्टिकुलर लाइन यू कैन राइट बी आर. हॉरिजॉन्टल रूल, इट इज यूज एज सेपरेटर बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट. द एच आर एलिमेंट ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द पेज. तो ये यूज करते हैं हम सेपरेटर की तरह बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, एंड एच आर एलिमेंट ड्रॉ करता है हॉरिजॉन्टल लाइन को across the page. HR where you want to insert a horizontal line. अगर आपको एक टेक्स्ट के बाद लाइन ड्रॉ करनी है तो आप एच आर टैग यूज करेंगे. आप उस लाइन की आपको साइज देनी है, थिकनेस देनी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे साइज इक्वल टू 10 देके आप उसका टाइप सेट कर सकते हो, साइज सेट कर सकते हो, थिकनेस सेट कर सकते हो लाइन की. Then comment. Sometimes you want to write some notes in your HTML document but don't want to display in your वेब पेज, देयर वी यूज कमेंट्स. कमेंट्स में हम क्या क्या होता है बच्चों, कभी कभी हमें कुछ लिखना है, नोट्स लिखना है कि ये लाइन क्या करी, हमने ये लाइन किस लिए यूज करी, हमने ये एट्रीब्यूट यहाँ पे क्यों यूज किया, बट वी डोंट वॉन्ट टू डिस्प्ले दैट ऑन वेब पेज, ठीक है. सो वो यूजर की कन्वीनियंस के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं, और उसको लिखने के लिए आप एंगुलर साइन एंड एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करेंगे. एग्जाम्पल देख सकते हो द कमेंट यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है. और इसमें भी एनीथिंग यू राइट इन दिस वॉन्ट डिस्प्ले बी आर. तो जो कमेंट होते हैं वो यूजर गाइडेंस के लिए होते हैं, ठीक है. देन बोल्ड एंड इटैलिक. तो बोल्ड टैग इज यूज व्हेन यू वॉन्ट टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट, थोड़ा बोल्ड करना है. आपने एक नॉर्मल लाइन लिखी बट यू वॉन्ट टू हाईलाइट इट, यू वॉन्ट टू बोल्ड इट, सो आप क्या करोगे बोल्ड टैग का यूज करोगे. बोल्ड टैग के लिए आप बी टैग का यूज करोगे बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट which you want to display as bold and type slash b after the text. जैसे आपको एक पर्टिकुलर लाइन बोल्ड करनी, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो हेलो आई एम टेस्टिंग द बोल्ड टेक्स्ट एलिमेंट ऑफ HTML. तो इस लाइन से पहले स्टार्ट करोगे, ऑन करोगे टैग को, इस लाइन के बाद आप ऑफ करोगे टैग को, तो इस पर्टिकुलर लाइन में क्या होगा आपका बोल्ड टैग लग जाएगा. नेक्स्ट इटैलिक. इटैलिक to divert the attention of the reader or any information, italic element is used. This element mark up the text in italic style. ठीक है, divert करनी हो आपको attention, आपको वो ना हल्का सा tilt हो जाता है, आप चाहते हो यूजर की attention जाए आपकी उस लाइन पे, उस information पे, तो आप ये करोगे italic element use करोगे. तो element mark up the text in italic style, typing the text between I and slash I tags will change the text in italic. जैसे कि आपके पास पर्टिकुलर लाइन है, उससे पहले आप क्या करोगे इटैलिक टैग को ऑन कर दोगे, उसके एंड में ऑफ हो, ठीक है. सो उस पर्टिकुलर लाइन के लिए सिर्फ इटैलिक यूज होगा. नेक्स्ट सीएसएस एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सीएसएस. तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज अ स्टाइल शीट दैट प्रोवाइड्स
सेट ऑफ स्टाइल रूल्स फॉर डिफाइनिंग द लेआउट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या करती है, प्रोवाइड करती है रूल्स को जो डिफाइन करते हैं लेआउट, मतलब किस तरीके से अरेंज करनी है आपको चीजें। सो स्टाइल शीट्स आर डिजाइंड टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। स्टाइल शीट डिजाइन करते हैं सेपरेट प्रेजेंटेशन स्टाइल को डॉक्यूमेंट की फ्रॉम द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। और ये किस तरह हम कर सकते हैं, हम ये थ्री तरीके से कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन के एग्जाम्पल देखो, अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन में ही करना है, एचआर स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ 50%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर आपको ब्लू चाहिए, तो ये क्या करेगा, जो आपकी लाइन होगी ना हॉरिजॉन्टल रूल, उसकी विड्थ 50% कर देगा, हाइट 100% कर देगा, और बैकग्राउंड जो होगा ना उस लाइन का कलर ब्लू कर देगा। इंटरनल सीएसएस में क्या होगा, वो आप सेलेक्ट करके उस लाइन हाइट दे सकते हो, ठीक है, उसके बाद स्लैश यहाँ पे आपने स्टाइल कर दिया, तो इस स्टाइल के अंदर आप इंटरनल सीएसएस यूज करोगे। देन वी हैव एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में आप क्या करते हो, एक सेपरेट सीएसएस फाइल बनाते हो और उस सेपरेट सीएसएस फाइल के थ्रू आप अपना एचटीएमएल वेब पेज डिजाइन करते हो। सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट बैकग्राउंड कलर इन एचटीएमएल वैल्यू। हमने यहाँ सिंटेक्स लिया बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन वैल्यू, ठीक है। सो वे वैल्यू कैन बी कलर, और कलर का कोड भी दे सकते हो आप, यहाँ पे डायरेक्टली कलर लिख दो या कलर कोड भी दे दो। तो एचटीएमएल हमने स्टार्ट किया, देन वी जस्ट यूज हेड टैग, देन इनसाइड दैट वी जस्ट राइट अ टाइटल, उसके बाद हमने टाइप स्टाइल टाइप यूज किया टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, देन बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने यूज किया येलो, ओके। सो लाइक दिस यू कैन यूज एक्सटर्नल सीएसएस आल्सो। आफ्टर दैट देन वी हैव बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। So with this properties, you can set or add background image also. ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, background hyphen image लिखोगे, then colon value. Value कैसे करोगे आप, जैसे आपने लिखा background hyphen image, colon के बाद आप लिखोगे URL, bracket में path of the image और name of the image. ठीक है, with this property, we can add background position also, background hyphen post colon value. वैल्यू आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे एक्सपोज दे सकते हो और वाई पोज दे सकते हो, ठीक है। एक्सपोज मीन्स एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वाई पोज मीन्स वर्टिकल, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, थैंक यू।